जय छठी मैया। महाकाल ब्लॉग देखने वाले सभी दोस्तों को उपेंद्र पांडे का नमस्कार। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को खरना के बारे में बताया था। आज छठ का तीसरा दिन है और तीसरे दिन की जो पूजा अर्चना होती है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। और चलिए, आज के ब्लॉग में मैं तीसरे दिन के छठ पूजा का में क्या क्या हुआ उसको मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जय छठी मैया। आज छठ पूजा का तीसरा दिन है और तीसरे दिन में प्रसाद वगैरह बनता है, शकरपाला वगैरह, उसी को हमारे यहाँ के सब लोग बना रहे हैं। और आपको मैं बता दूं कि शकरपाले देखिए आटा का यह है गूथा हुआ, इसमें गुड़ डाला गया है और काजू, किशमिश, बादाम, छुहाड़ा, जो भी आपकी इच्छा अनुसार हो सभी चीज़ इसमें मिक्स करके ये देखिए ये बनाने वाला सांचा है और इससे दबा दिया जाता है और ये अगरौटा बनकर कच्चा तैयार हो गया। और इसी को ये देखिए सबको मिलाकर मिक्स करके हाथ से गोला गोला करके सांचे में इसको दबा दिया जाता है। ये देखिए सांचे में इसको हम दबा दिए और ये बन गया। इसको रख, ये देखिए कढ़ाही में तेल डाला गया है, इसमें घी, रिफाइंड तेल भी आप डाल सकते हैं और इसको डाल दिया गया और बन गया। अब शाम के पूजा के लिए पूरे फल को धो दिया जाता है क्योंकि पूजा जो होता है बहुत पवित्र होती है। देखिए अनानास को धोया जा रहा है, सभी केला, संतरा, सेब, जितने भी फल हैं, सब्जियां भी जैसे कि मूली और कद्दू वगैरह भी धो देते हैं, चढ़ाया जाता है। देखिए मूंगफली वगैरह, नारियल वगैरह को हम लोगों ने धो दिया है। और ये है दिया, दिया को भी धो कर रख दिए हैं। देखिए मूली है, ये है मूली को तो भी धोया जा रहा है क्योंकि बाज़ारों में जो सामान मिलती है उसको जब घर में लाते हैं तो धोकर ही भगवान के पास चढ़ाया जाता है तो ही पवित्र माना जाता है। ये देखिए डाली में, बड़ी सी डाली में हम इसको रख दिए हैं, शाम को हम लेके चलेंगे इसको। और ये बांस का सूपा है, ये डाली में हम रख दिए हैं सभी फल को धोकर। और बांस के सूपा और एक पीतल का सूपा है, इसमें हम सिंदूर से टिक पूछ दिए हैं। और ये मिट्टी के जो बर्तन है उसमें भी टिक दिए हैं भगवान के नाम से। और सभी को हम सजा रहे हैं, सूपा में भी सजा दिए हैं सभी फल को। ये देखिए एक कपड़े का भी पीस, क्योंकि छठी मैया को भाई अर्पण करना है तो दो सूपा रहेगी क्योंकि भोर में उसको बदल दिया जाता है। अब शाम हो चला है, दंडवत देते हुए हम जा रहे हैं छठी मैया का नमस्कार वहाँ घाट पे लोग। और इसमें बच्चे लोग फूल से स्वागत कर रहे हैं, आगे झाड़ू दिया जा रहा है क्योंकि किसी तरह से पर्व करने वाले को कोई कांटा वोटा और पत्थर उत्थर ना चुभे। सभी लोग दंडवत करने वाले को पैर को नमस्कार कर रहे हैं। ये देखिए जो सामने जो मंदिर दिख रहा है उसी मंदिर के पास पोखरा बना हुआ है। ये देखिए सब रास्ते को साफ सफाई करते हुए। और ये जो बच्चा आपको दिख रहा है लोटा में, या एक बच्ची सामने जो दिख रही है, जल से पवित्र कर रही है। सूर्य देवता शाम हो चला है, अस्त होने के कगार में है और अस्त होने से पहले आधा घंटा हमें वहाँ पर पहुँचना है। चारों तरफ धान की बाली लगी हुई है, बहुत ही हरियाली है यहाँ पे। और ये शाम हो चला है, सभी नहा धोवा लिए हैं और सूर्य भगवान को अर्घ देते हुए सूर्य भगवान को अर्घ दे दिए और परिक्रमा कर रहे हैं। और इसका अर्घ जो सूपा से गिरता है उसको छान के हम लोग सर के ऊपर लगाते हैं। अब सीधे हम मंदिर की ओर भीतर में जा रहे हैं बैठने के लिए क्योंकि बहुत सारे पर्व
पर्व करने वाले हैं वो मंदिर के पीछे साइड भी इस साइड बगल में भी कर रहे हैं। मैं वहाँ तक आपको बाद में दिखाऊंगा, पहले यहाँ का दिखाऊंगा। देखिए सुपा में दिया अगरबत्ती जला दिया गया है, ये सब बैठ गए हैं और गन्ना को सामने ऐसे तीन चार ऐसे करके गन्ना सीधे खड़ा हो जाए। डेकोरेशन वाले को भी हम बुलाए थे कि ठंडी का बहुत ही ठंडी थी और ठंडी का माहौल है, किसी तरह से पर्व करने वाले को ठंडी ना लगे, मगर ठंडी तो है ही भाई, क्योंकि आपको मैं बताया था ही कि छठ पूजा बहुत ही दिक्कत और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है पर्व करने वाले को। इतनी सुंदर दिया जल रहा, अगरबत्ती का चारों तरफ धुआं उठता हुआ, पर्व करने वाले ध्यान देते हैं कि हमारी दिया बुझे ना, शुद्ध घी से ये दिया जलाया जाता है, रात भर दिया जलता है। अर्धरात्रि को दूसरा सूप चेंज किया जाता है, क्योंकि शाम को जो सूप से हम पूजा किए थे अब अर्धरात्रि जैसी होती है तो फिर स्नान ध्यान करके कपड़ा बदल के दूसरे सूप चेंज कर दिया जाता है। ये देखिए सामने से पूरे पर्व करने वाले बैठे हुए हैं, करीब 25-30 पर्व करने वाले हैं और ये सुबह का करीबन 5:30 बज चुका है और बहुत ठंडी लग रही है और मैं भी नहा धोवा कर वहीं पे जा रहा हूँ कि ये देखिए सामने मंदिर की ओर और वहाँ पे हमें भी अर्घ को सर पे डालना है। सुबह के करीबन 5:35 हो चला है और 6:00 पे सूर्य देवता उदय होंगे। अब मैं चलता हूँ जल्दी जल्दी। ये देखिए सुबह के 6:10 के आसपास हो रहा, सूर्य देवता निकल चुके हैं। जय सूर्य देवता, देवो भेव नमः। सूर्य देवता हमारे ऊपर सदा सहाय रहे और ब्लॉग देखने वाले लोगों पर भी आपकी कृपा बनी रहे। पूजा पाठ हो चुका, अब आखिरी पल है हवन का, हवन किया जा रहा है। दोस्तों आज का यह तीसरे दिन का छठ का पूजा का ये आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट्स बॉक्स खुला हुआ है, आप हमें अवश्य लाइक सब्सक्राइब कीजिए और मैं अगले ब्लॉक में फिर उपस्थित होऊंगा। फिर मैं चलता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छठी मैया, जय महाकाल।